शाकिब अल हसन, नितिन दास। अभी वहाँ आपका शाकिब अल हसन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। शाकिब अल हसन अगर उसकी प्रेजेंस है तो मतलब आप बोल सकते हो वहाँ का विराट कोहली की तरह बोल सकते हो उसको। यह वो अच्छा था, एज अ यंग बॉलर बहुत अच्छा किया, कितना विकेट लिया, 4 विकेट, इट्स वेरी ब्रिलियंट आउट ऑफ द बॉक्स। शाकिब अल हसन, नितिन दास। So like we love Litin Das because of his batting skills and his wicket keeping skills. We feel he's one of the greatest players of Bangladeshi cricket right now. And Shakib Al Hasan is the best all rounder in the Bangladesh. Yeah, I follow the Bangladesh cricket team, but पहले ज़्यादा follow करता, अब धीरे धीरे कम हो गया cricket का, जैसे क्या हमारा, मैं college में हूँ तो थोड़ा पढ़ाई पे focus हो गया है, बट मैं आई फॉलो बांग्लादेश दे। अभी वहाँ आपका शाकिब अल हसन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। शाकिब अल हसन एक ऑल मतलब एक बोल सकते हो बेस्ट ऑलराउंडर के कंपेरेटिवली आता है, क्योंकि उससे 200 भी स्कोर किया, 100 भी बहुत सारा स्कोर किया, और बांग्लादेश के लिए बहुत इंपैक्ट है। अगर उसकी प्रेजेंस है तो मतलब आप बोल सकते हो वहाँ का विराट कोहली की तरह बोल सकते हो उसको, क्योंकि बॉलिंग में ही इज़ द लीड बॉलर। आप बैटिंग बोलो, उसकी प्रेजेंस वहाँ पर एज अ बैटिंग बहुत अच्छा है वो। यह वो अच्छा था एज अ यंग बॉलर, बहुत अच्छा किया, बट उसके बाद से फर्स्ट इनिंग जैसी बॉल पुरानी होने लगी तो थोड़ा एक तो ह्यूमिड बहुत है, एज अ फास्ट बॉलर उससे बहुत ही अच्छा किया। एक तो इस वेदर पे बॉलिंग कर रहा, मैं बॉलिंग कर रहा हूँ मैं तो फर्स्ट सेशन के 6 ओवर डालने के बाद तो मैं मर जाऊँ, बट भाई इतनी गर्मी में अभी यहाँ खड़े खड़े हमें इतना गर्मी लग रहा है, वो डालेगा अभी कितना मुश्किल है डालना, हमें महसूस नहीं होता, बट वहाँ पे वो खड़े खड़े डाल रहा है। इतना विकेट लिया, 4 विकेट, इट्स वेरी ब्रिलियंट आउट ऑफ द बॉक्स। राइवलरी तो ऐसे तब बोल सकते कि जब मैन टू मैन हो, कि अभी आपने अगर हिस्ट्री उठा के देखी तो 13 मैच इंडिया जीती है, 3-4 ड्रॉ हुआ है, बांग्लादेश एक भी नहीं जीत पाया, बट जीतेगी, बट अभी मैं इसको राइवलरी की तरह नहीं देखता हूँ, बट हाँ एज अ गुड कॉन्टेस्ट देख सकता हूँ, बट राइवलरी थोड़ा नहीं देख सकता मैं अभी। Virat Kohli. We have seen him from our childhood days, so he's a childhood hero. Everyone from the Indian team is a favorite player of us. We cannot pick names, but as you asked one name, we said Virat Kohli. Ravichandran Ashwin is a local hero, so we also love him. We have seen him from all childhood days also. He's also a senior player as Virat Kohli does. So we feel very, very proud. We feel very proud and very happy for Ashwin. We are expecting a fifer or more wickets from him. Sir Ravindra Jadeja, he is a very unique player, like best all-rounder I have ever seen. Like आज तक मैं भी एक लेफ्ट आर्म बैट्समैन हूँ, लेफ्ट आर्म बॉलर हूँ, तो मैं उसी से सीखता हूँ। आज तक इंडियन के पिचेस में जब भी हुए, जब भी किसी चीज़ की जरूरत हुई है, जडेजा आया। आपको 2019 का वर्ल्ड कप याद है, वो आया कि खड़ा हुआ था धोनी के साथ। आपने अभी देखा 2023 जब CSK जीती थी, तब लास्ट में जडेजा आया था धोनी का जीतेंगे। जडेजा को जितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए कोई इतना देता नहीं है, उसके बारे में बात करता है कि भाई वो कर नहीं रहा, जैसे अभी वर्ल्ड कप में उतना कर नहीं पाया था, लोग बोल रहे थे कि जडेजा इतना अच्छा है नहीं, बट उसकी इंपॉर्टेंस इन द पिच, अगर वो बैट नहीं कर पा रहा, बॉल नहीं कर पा रहा, बेस्ट फील्डर आज तक का। आपको याद है ऑस्ट्रेलिया का जब एक बार हुआ था, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई थी, रन आउट किया था उसने पीछे वहाँ से स्टीवन स्मिथ को, ही इज़ अराउंड 153 स्टीवन स्मिथ, लास्ट विकेट थी, वो अकेला कितना स्कोर कर सकता था, बट उसका वहाँ पे एज अ फील्डर बेस्ट फील्डर मेरे को जितना लगता आज तक एवर, अगर थ्रोइंग में की है, कैचिंग तो ब्रिलियंट है, बट उससे अच्छे थे सुरेश रैना था, बट फील्डिंग में जडेजा बेस्ट, किसी भी फील्ड पोजिशन में लगा दो, बैटिंग में बेस्ट, लाइक अगर आपको टेस्ट में करना हो खड़े होकर खेल सकता है, पहले नीचे आता था, अब ऊपर आके भी खेल सकता है 4-5-6 में।